इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों पांच अमेजिंग अमेजिंग रेड टेप के जूते जो कि एकदम ही नए नए लॉन्च हुए हैं और भाई जबरदस्त होंगे कि नहीं वो तो आपको वीडियो देख के पता चलेगा। पहला बॉक्स आ गया हमारे पास में, इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 7,899। अब पागल है क्या, बड़ा बड़ा निकालते है भाई। लेकिन जो रेड टेप कमाल कर रही है ना डे बाई डे वो एकदम लाजवाब है। एक और खूबसूरत सा रेड टेप का जूता, इस बार मोस्टली ना आपको व्हाइट व्हाइट थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। पूरी बॉडी में आपको मेश की देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो मेश की क्वालिटी है, जो मेश का टाइप है ना, वो बहुत ज्यादा अलग है। फ्रंट में आपको पूरी रबर कोटिंग देखने को मिलती है, लेस होल्स के साइड में आपको रबर कोटिंग देखने को मिल जाएगी। बैक में आपको पीयू का पैच मिलता है, जिसके ऊपर आपको ना ब्लू कलर के डॉट्स टाइप की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी। टंग की अगर बात करें, यहाँ पर भी आपको पूरा मेश का टंग मिलता है। रेड टेप की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, टंग होल्डर मिल जाएगा। बैक में आपको पुल टैप मिलता है। और अगर कागज को निकाल कर इसके वेट की बात करें ना, डेफिनेटली जिस हिसाब का इसका साइज है ना, उस हिसाब से वेट आपको कम फील होगा। और सीधी बात करूं तो इसके सोल में ही ना एक्चुअल वेट फील होता है। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग जबरदस्त है, ये काइंड ऑफ मिंट ग्रीन जैसा इसमें कलर डाला गया। लेकिन हर जूते के आपको मल्टीपल कलर्स देखने को मिल जाएंगे। अंदर तक में पैडिंग वैडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जो लेवल में इन्होंने इंप्रूव किया ना इनर सोल, लाइक सब जूतों को ना इजिली मात दे सकता है, अगर हम नाइकी तक की भी बात करें। देखो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ इनसोल की क्वालिटी इन्होंने बहुत अच्छी की है। मेरे टिप क्लासिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल यस, जबरदस्त पैडिंग के साथ आता है। आउटर साइड में आपको रेड टेप का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि एक प्लास्टिक पैच के थ्रू लगाया गया है। और नीचे की तरफ बैक साइड में आपको एक प्लास्टिक का कैप भी मिलता है ब्लू कलर का, जो कि पूरे आउटर साइड से बैक में होकर जाता है। पीवे फोम आपको देखने को मिल जाएगा, फोम की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब कोई कमी आपको इसमें फील नहीं होने वाली। और नीचे की तरफ आपको अगेन मिंट ग्रीन कलर का हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी मैट मैट टेक्सचर की है। ग्रिप में भाई ताबड़तोड़ है। एंड डेफिनेटली इसका जो ओवरऑल लुक आता है ना, वो थोड़ा थोड़ा बास्केटबॉल स्नीकर जैसा लगता है। ओवरऑल देखो डिजाइनिंग के मामले में मैं ये नहीं कहूंगा ना कि ये इनकी पेटेंट अपनी डिजाइन है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि मुझे रेड टेप के जैसे दिखने वाले ना दूसरे प्रीमियम स्नीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस बजट में जिस प्राइस में आता है ना, उस हिसाब से अगर जज करें तो क्वालिटी से लेकर कंफर्ट तक अच्छा है। साथ ही दोस्तों अभी चल रही है अमेजोन पे वार्डरोब रिफ्रेश सेल, और यही सही मौका है इन सारी चीजों को खरीदने का। 50-80% ऑफ आपको मिल जाएगा सारे फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे। मेक श्योर के जाकर इस सेल के समय में शॉपिंग करो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो बॉक्स हमारा रेड टेप का, वो है भाई एकदम नया बॉक्स। ये लुक ना मैं पहली बार देख रहा हूँ बॉक्स की। यहाँ पर लिखा हुआ कम्फर्ट वॉक। अब क्या है क्या नहीं, वैसे इसकी प्राइसिंग वापस से होगी जनाब 6,299। भाई क्या ही गेम खेलते हैं, फटाफट निकालते हैं। और अगर जूते को देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम लगभग हर रेड टेप के जूते को अनबॉक्स करते हैं, हर मॉडल को एक्सप्लोर करते हैं। हर महीने आपको एक रेड टेप की वीडियो देखने को मिलेगी, जहां पर जितने भी नए लॉन्चेस होते हैं ना, वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, अगर आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। तो इस जूते की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कागज निकालने के बाद ना थोड़ा सा जूता हैवी फील हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, इसमें आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर ऑप्शन अवेलेबल है। पूरी बॉडी इसकी ना आपको निटेड फैब्रिक की देखने को मिलती है, जहां पर अलग अलग टेक्सचर्स, वेंटिलेशन का काम, और फ्रंट में जो रबर कोटिंग के थ्रू ग्रिल जैसा डिजाइन किया गया ना यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आउटर साइड में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाएगी, इनर साइड में नहीं है। थोड़ी सी एरो टाइप की ना डिजाइनिंग इनर साइड में, वो स्पीड या एग्रेसिव थोड़ा सा बनाती है जूते के लुक को। लेस होल्स के साइड में भी आपको रबर कोटिंग देखने को मिल जाएगी, ब्लैक कलर का लेस मिलता है, पूरा मेश का टंग मिलता है, अच्छी क्वालिटी का है। और ऊपर में आपको रेड टेप फ्लो प्लस लिखा हुआ मिल जाएगा। साइड साइड की पैडिंग वैडिंग में कोई कमी नहीं है। इनसोल की क्वालिटी में भाई वापस से कहना चाहूंगा, जो कमाल इन्होंने किया है ना, लिटरली इतने अच्छे फोम ना मैं बहुत रेयर जूतों में देख पाता हूँ। इन्होंने नाम दिया इसका रेड टेप सुप्रीम बाउंस ऑल डे कंफर्ट। बेसिकली ये जो जूता है वो एक डेली यूज के लिए बनाया हुआ जूता है। जैसे मान लो कि किसी जूते को आपको एकदम रेगुलरली डेली पहनना है, रगड़ना है, धुनना है, मचोड़ना है, फेंकना है, तो उस टाइप के लिए ये बना हुआ है। आउटर सोल की बात करें, यहाँ पर ईवीए फोम देखने को मिल जाएगा, अलग डिजाइनिंग में है। बैक में आपको एक क्लिप मिलता है, रेड टेप की आपको उसमें ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर देखो छोटू सा रेड टेप का लोगो, कितना क्यूट लग रहा है। पीछे आपको पुल टैप मिलता है, नीचे की तरफ आपको हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा ओवरलैप करता है यहाँ पर, ये डिजाइन का ही बस पार्ट है। और नीचे में भी आपको रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अलग एक चीज क्या मिसिंग है पता है, इनका उछलता हुआ शेर यहाँ पर नहीं दिख रहा है इस बार। बाकी फ्रंट में रेड टेप का लोगो, नीचे रेड टेप का लोगो, और हर जगह आपको एक कंप्लीट प्रोडक्ट जैसा फील होगा। देखो इन सारे जूतों को ना अलग अलग कर पाना या कैटेगरी वाइज डाल पाना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो एकदम स्पोर्ट दिखता है, नहीं तो एकदम स्नीकर जैसा दिखता है। ओवरऑल इस जूते को आप जिम में भी पहन सकते हो, कैजुअली भी पहन सकते हो, वॉकिंग के लिए भी पहन सकते हो। छोटी सी प्रॉब्लम मुझे क्या लगी कि इसका जो अपर बॉडी है ना, थोड़ा स्टिफ और कड़ा जैसा लगता है, सॉफ्ट होता, लेकिन ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ओवरऑल जूता बहुत ज्यादा अच्छा है, जाना चाहो हंस के जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जो जूता है हमारा, एक बहुत खूबसूरत वाइट स्नीकर। और ये स्नीकर आपको देख के लगेगा कि भाई हाँ इंडस्ट्री में कुछ तो लगा हुआ है। प्राइसिंग यहाँ पर अनाप सनाप देखने वाली नहीं है, 5,899। फटाफट निकालते हैं जूते को देखते हैं। ऑलराइट, जस्ट
लुक एट दिस, एक बहुत खूबसूरत नए लुक के साथ आने वाला वाइट स्नीकर। पूरी बॉडी आपको पीयू के देखने को मिल जाएगी, पूरा वाइट, पूरा मैट टाइप का मटेरियल है। बेसिकली यहाँ पर ना स्टिचिंग्स के थ्रू ना डिटेलिंग्स क्रिएट की गई है। पूरे जूते में ना आपको एरो 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 जैसा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आउटर साइड में आपको एक मेटल का रिंग जैसा भी देखने को मिलता है, ये बस डिजाइन का पार्ट है। और क्रोम की क्वालिटी ना एक्चुअल में अच्छी लगती है। व्हाइट कलर आपको लेस मिलता है, टंग में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाएगी, हल्की हल्की पैडिंग इसमें भी मिलती है, साइड साइड में भी आपको हल्की पैडिंग मिल जाएगी। इनसोल की क्वालिटी मैंने बताया अच्छी है। रेड टेप का आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा, बैक में भी मिलता है। और नॉर्मल सा आपको रबर का आउटर सोल मिलता है, जहां पर आपको वापस से वो उछलता हुआ शेर दिख जाएगा। एक वर्ड में कहें ना तो एक बहुत सिंपल सा खूबसूरत सा व्हाइट स्नीकर है। यहां पर कोई ब्रांडिंग नहीं है, मिनिमल लुक है। हालांकि एक दो कमियों की बात करें तो सिर्फ एंड में ना आपको एक मेटल आईलेट मिलता है, पूरे में होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। ओवरऑल जूते को देखोगे ना ऊपर से या साइड से, जो मैं फील कर पा रहा हूं, जूते की डायमेंशन ना मुझे थोड़ी मोड़ी ना परफेक्ट नहीं लगती, अच्छी है लेकिन इंप्रूव की जा सकती थी। और ये ना बहुत कम लोग फील कर पाते हैं। हम इसलिए फील कर पाते हैं, हम इसलिए मेजर कर पाते हैं, हम इसलिए देख पाते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे जूतों को जज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। साथ ही रेगुलर बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे सेल्स के डील्स शेयर करते हैं, जहां पर मल्टीपल वेबसाइट्स के मल्टीपल ऑफर्स के बारे में झट से आपको वहां पर पता चल जाता है। फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम वहां पर बहुत ही जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप उस 1,00,000 फैमिली का पार्ट हो। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, एंड डेफिनेटली जाना चाहो जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जूता आ गया हमारे पास में, इन डब्बों की जो फ्रंट में डूडल डिजाइनिंग्स होती है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप खरीदते हो तो ध्यान से जरूर देखना। यहां पर इसके MRP 6,499। साथ ही आपको ये भी बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रेडटेप। और ऑलमोस्ट हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं ना, समझ लो कि मंथ में अगर हम 30 वीडियो डाल रहे हैं, उसमें से 4 या हार्डली 5 वीडियो स्पॉन्सर्ड होंगे, बाकी सब में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बस इसलिए ताकि आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे पाए। ये भाई एक बहुत खूबसूरत सा रेड टेप का चंकी स्नीकर है। विजन इसमें आपको 2-3 कलर देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक है, व्हाइट है और ऑफ व्हाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बहुत किलर कॉम्बिनेशन है कलर्स के मामले में। पूरी बॉडी आपको मेस की मिल जाएगी, बेसिकली इसका बेस पूरा मेस का है। मल्टीपल लेदर पैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ टेक्सचर्स वाले हैं, कुछ प्लेन है, कुछ रबर है। स्टिचिंग्स की थोड़ी मोड़ी आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। लेस होल्स के साइड में आपको पूरा लेदर का रैप मिलता है, पूरा टंग आपको मेस मिलता है, रेड टेप के ऊपर में ब्रांडिंग मिल जाएगी, बैक में आपको एक पुल टैब मिलेगा और बैक में आपको एक और खूबसूरत सा रेड टेप का लोगो देखने को मिलता है। साइड साइड की पैडिंग में इसमें उतना ज्यादा दम नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था। हालांकि इनसोल में वापस वही तगड़ा वाला इनसोल आपको इसमें देखने को मिलता है, सुप्रीम बाउंस का। अब इसके टच एंड फील को बताऊं अगर, मेमोरी फोम कैसे एकदम लचपच लचपच करता है, ये उतना लचपच नहीं करता, थोड़ा सा स्टिफ फील होगा लेकिन बाउंस इसमें बहुत तगड़ा है। तो आपके पैर से जब इसमें आप फोर्स लगाओगे ना, तो वो आपको बेटर कंफर्ट प्रोवाइड करेगा मेमोरी फोम से ज्यादा। आउटर सोल की बात करें, यहां पर आपको EVA फोम देखने को मिलता है, थोड़ा सा चंक है इसमें, क्योंकि अब ये चंकी स्नीकर है, थोड़ा सा विड्थ इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अलग अलग कट्स के थ्रू यहां पर आपको डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी और बैक में आपको एक ब्लैक कलर का ग्लॉसी क्लिप देखने को मिलता है, जो कि इस ओवरऑल जूते में ना एक खूबसूरत एलिमेंट ऐड कर रहा है। अब देखो पूरा जूता मैट मैट है, यहां पर ये ग्लॉस कर रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। नीचे की तरफ कोई हार्ड ग्रिप नहीं मिलता और चंकी स्नीकर्स में ये होता भी नहीं है। रेड टेप की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, लोगो मिल जाएगा, एंड ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। डेफिनेटली जितना हम तारीफ कर रहे हैं रेड टेप का, उस हिसाब से आप यहां पर भी समझ सकते हो क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली। और सारे जूते 1,500-1,700 इवन 1,000 रुपए के आसपास ही मिलेंगे, आपको ज्यादा पे नहीं करना है। लास्ट जूता आ गया हमारे पास में, और इस जूते का हमने भाई ऑलरेडी दिखाया हुआ, लेकिन वापस से आपको दिखा रहे हैं इससे पहले कि ये जूता हाथों से निकलना जाए। प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 5,899, इतना आपको पे नहीं करना है। लेकिन सच बताऊं, अब तक का रेड टेप का वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन, वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन, अगर हम स्नीकर्स की बात करें तो। इसका मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला वर्जन दिखाया हुआ ऑलरेडी। पूरी बॉडी आपको लेदर की मिलती है, मल्टीपल लेदर पैचेस मिल जाएंगे। अभी एग्जैक्टली लेदर है या PU है, जो भी है, डजंट मैटर। क्वालिटी कैसी है मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी है। फ्रंट में आपको वेंटिलेशन के लिए होल मिल जाएंगे, पूरा मेश का टंग मिलता है, साइड साइड की पैडिंग, इनसोल की क्वालिटी भाई ताबड़ तोड़ है। आउटर सोल यहाँ पर देखोगे ना तो एक्चुअल मैजिक यहाँ पर आपको दिखेगा, बहुत चंकी यहाँ पर आउटर सोल दिया गया है। रेड टेप की आपको बड़ी बड़ी ब्रांडिंग मिल जाएगी, ऑफ व्हाइट कलर का पूरा जूता है। बैक में देखोगे तो थोड़ी स्क्वायरिश टाइप की डिजाइन है, यहाँ पर भी आपको रेड टेप का लोगो देखने को मिल जाएगा। बैक में ना ग्रिल जैसा डिजाइन बनाया गया है, सेम यही ग्रिल वाली डिजाइनिंग आपको फ्रंट में भी देखने को मिलेगी। और नीचे मिलता है भाई हार्ड रबर ग्रिप, पूरा ब्राउन कलर का सोल है। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है ये गम सोल है, ये गम सोल नहीं है, लेकिन क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। आउटर साइड में देखो यहाँ पर छोटू सा एक रेड टेप का लोगो देखने को मिल जाएगा। जो डिजाइन ओवरऑल निकल के आ रही है ना इस जूते की, बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ा सा हेवियर है लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसी क्वालिटी ना आपको यूजुअली नाइकीज में भी नहीं देखने को मिलती। लेकिन देखो नाइकी का ना भाई अपना ही और है, वो गंदा भी दिखेगा ना, वो सिर्फ लोगो चमकेगा ना, भाई लोग इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अभी वो चीज देखो इसमें नहीं आई है। लेकिन सच बताऊं, एज एन इंडियन ब्रांड भाई रेड टेप सबसे अलग, सबसे तगड़ा, सबसे बवाल काम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेक श्योर वीडियो को
सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद। पेश बूम।